For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. सीरियल इश्क में मरजाओं से जुड़ी एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर अब आ चुके हैं, जहां आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले तो ये कि अब आरोही का क्या होने वाला है अगला प्लान और कैसे कैसे वो विविधिका के साथ मिलकर रोमा की जिंदगी तबाह करेगी और साथ ही साथ दीप को कैसे बर्बाद करती है वो, इन सब के बारे में आज हम आपको इसी स्टोरी में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्या हाल रहा बीते एपिसोड का, जिसमें आपने देखा कि कैसे आरोही पहुंच जाती है हॉस्पिटल में क्योंकि वेदिका दे देती है उसे जहर और जहर खाने के बाद वो वहीं बस स्टॉप पर गिर जाती है जहां पर वो दीप को देखने गई होती है। जिसके बाद आपने देखा रोमा और विराट भी पहुंचते हैं हॉस्पिटल में जहां पर नर्स उसे बताती है कि आरोही अब ठीक है, जहां उसके शरीर से सारा जहर निकाल दिया गया है। तो इतने में नर्स ये भी खुलासा करती है कि आरोही तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। जी हाँ, ये सुनते ही रोमा के साथ साथ दीप और विराट के भी होश उड़ जाते हैं और वो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते पहले तो, लेकिन नर्स के बार बार बोलने पर विराट इस बात को समझ लेता है सच और वो समझता है कि ये तारा नहीं है आरोही और पहुंच जाता है वार्ड में उसको गोली मारने के लिए। लेकिन इतने में ही रोमा और दीप उसे रोक लेते हैं। वहीं डॉक्टर आती है एकाएक और कर देती है आरोही की मदद, जहां वो बता देती है कि गलतफहमी की वजह से रिपोर्ट्स आ चुकी हैं गलत और तारा वाकई में प्रेग्नेंट ही है। इसके बाद सारे काफी ज्यादा खुश होते हैं ये खबर सुनते ही। वहीं आपने देखा कि वेदिका भी पहुंचती है हॉस्पिटल में जहां पर वो आरोही को मारने की एक बार फिर से कोशिश करती है, लेकिन इतने में आरोही उसे रोक लेती है और बताती है अपना पूरा का पूरा सच, जहां पर उसके सामने ये खुलासा हो जाता है कि वो तारा नहीं आरोही है। जिसके बाद वेदिका भी उसके साथ देने का फैसला करती है। वहीं अगर अब बात करें अनवल ट्रैक की, जिसमें आप देखने वाले हैं कि अब आरोही फिर से लौट जाएगी घर पर, जहां पर उसकी रिकवरी के बाद से वो अपने एक और प्लान शुरू करेगी वेदिका के साथ मिलकर और अंजाम देगी रोमा की बर्बादी को। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।